मैं आपको तारुफ करा देता हूं, मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर पंकज बेनीवाल हैं बीजेपी की तरफ से, बहुत स्वागत है सर आपका। सोनू ठाकरान है इनेलो की तरफ से, बहुत स्वागत है सोनू जी आपका। मनीष खटाना भाई भी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़े हैं। खटाना साहब, कांग्रेस इतनी देर में आ रही है, धीरे धीरे चुनाव चल रहा है भाई, खटाना साहब कर रहे हैं चुनाव चल रहा है इसलिए थोड़ा सा विलंब हो रहा है। और निशांत आनंद है हमारे साथ आम आदमी पार्टी से, वो स्वागत है आपका भी। सबसे पहले सवाल इस बात का कि इस बार हरियाणा की राजनीति क्या कहती है। कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि वो 50 प्लस सीटें जीतेगी, लेकिन बीजेपी जो कि सरकार में गठबंधन के साथ दूसरी बार में थी, वो कहती है कि इस बार भी सरकार हमारी ही बनेगी। आम आदमी पार्टी, जजपा, आजाद पार्टी का गठबंधन, बसपा और इनेलो का गठबंधन, उनके दावों में भी कोई कमी नहीं है। शुरुआत हम करते हैं इस चर्चा की। बेनीवाल साहब, इस बार बहुत बड़ी चुनौती आपको लगती है, नहीं दिखाई दे रही है बीजेपी के लिए? नमस्कार अतुल भाई, सभी साथियों नमस्कार और सभी दर्शकों मेरा नमस्कार आपके इंडिया न्यूज को देखने वाले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, जैसे आपका टाइटल है कि किस्सा कुर्सी का, भारतीय जनता पार्टी में किस्सा कुर्सी का नहीं, जनता की सेवा का होता है। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक ही मूल सिद्धांत पे चलती है कि जनता की सेवा किस किस माध्यम से की जाए। चाहे वो हम किसानों की बात करें, मैं एक बात मतलब हो ये कह सकते हो आपकी गुड़गांव में किसान बहुत कम होंगे, लेकिन किसानों की संख्या है गुरुग्राम में। आज ऐसी पार्टी पहली है भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि 24 फसलों पर MSP की गारंटी के साथ हम बात करते हैं। क्या आज से पहले हरियाणा, जब से आजाद हुआ बना तब से लेके आज तक हर एक पार्टी का राज कार्यकाल रहा हरियाणा के अंदर, क्या किसी पार्टी ने यह कहा कि हम किसानों के लिए MSP पर बात करेंगे? या ये मेरे साथी और खड़े हैं और पार्टी के, ये बता दें कि इनके कार्यकाल के अंदर कौन कौन सी फसलों को या कितनी फसलों को MSP पर खरीदा जाता था? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नायब सिंह सैनी की सरकार है, पूर्व में रहे मनोहर लाल जी की सरकार है, या नरेंद्र मोदी जी की नीतियां हैं जिसकी वजह से आज हमारा हरियाणा या गुरुग्राम या जनता की सेवा को जो मार्ग है वो यहीं से खुलता है। क्योंकि हम लोग कहते हैं कि जैसे जो जो जनता की दिक्कतें हैं उनका अगर सामना करना है, उनको समाधान करना है, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने। गुरुग्राम इतना काम किया था तो बदलाव क्यों करना पड़ गया आपको? देखिए, ये और कोई पार्टी नहीं है, ये परिवारवाद की पार्टी नहीं है कि एक परिवार के इर्द गिर्द या एक आदमी के इर्द गिर्द पार्टी चलती रहेगी। यहां पर मनोहर लाल जी को लेकर के तमाम आपका भी सवाल आ गया, लेकिन मनोहर लाल जी को कितना बड़ा दायित्व दिया गया, राष्ट्रीय लेवल पे उनको दो दो मंत्रालय दे दिए गए, ये कोई छोटी बात है क्या? हरियाणा जैसे छोटे से सूबे से, हरियाणा जैसे छोटे से राज्य से आने वाले 3 मंत्रियों को सेंटर में मिनिस्टर बना दिया जाता है, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मनोहर लाल जी को दो दो राज्य उसमें दे दिया जाता है। तो ये देखने वाली, सोचने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी में मनोहर लाल जी की कार्यशैली कितनी अच्छी रही होगी या उनका सोच कितनी अच्छी रही होगी हमारे हरियाणा को आगे निकालने के लिए और देश को आगे निकालने के लिए, कितनी अच्छी योजनाएं उनके पास नहीं होंगी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको सेंटर में दिया। मतलब आपको लगता है कि जो बदलाव आपने किए चेहरे के तौर पर या फिर जो योजनाएं सैनी साहब के नाम की घोषणा के बाद होने पर आप लोगों ने उसके बारे में जिक्र किया, उसका फायदा मिलेगा कांग्रेस को, क्यों लगता है कि इस बार कांग्रेस की सरकार? देखिए, मेरे भाई ने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी, किसानों की बातें करी, MSP की बातें करी, खट्टर साहब की बातें करी, इस सूबे से निकाल के बड़े बड़े मंत्रालय दे दिए उनको देश के अंदर। मैं मानता हूं उनको बहुत बड़े मंत्रालय दे दिए, लेकिन जब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो हरियाणा की हालत क्या थी वो हरियाणा की जनता, गुड़गांव की जनता सामने बैठी है। आप पूछिए, जो लोग भय मुक्त प्रशासन की बात करते थे, भ्रष्टाचार मुक्त की बातें करते थे, आप जिस एरिया में खड़े हो, यहाँ पर, यहाँ से अगर 100 मीटर चारों तरफ देख रहे हो, जितनी भी दुकानें, जो जितने भी यहाँ रेजिडेंशियल कमर्शियल हैं, इनके छज्जे तोड़कर यहाँ पर नगद पैसे लिए जाते थे। DTP नगद पैसे लेता था यहाँ पर और खुलेआम कहता था अगर बात करानी है तो खट्टर साहब से कराओ। CM फ्लाइंग यहाँ से पैसे लेती थी, प्रॉपर्टी ID के नाम पर यहाँ पर पैसे लिए जाते थे। और जहाँ से आप खड़े हो, आप पीछे पीछे देखिए, ये सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, सारी सड़कें। जो लोग कह रहे हैं हरियाणा को चलाने वाला गुड़गांव, 70% रिवेन्यू देने वाला गुड़गांव, बिजली का बिल भरने वाला गुड़गांव, हाउस टैक्स देने वाला गुड़गांव, और सबसे बुरी हालत गुड़गांव की, आप 10 साल 9.5 साल के बाद आप मुख्यमंत्री बदल रहे हो। क्यों बदल रहे हो? फेल है, फेलियर है। गुड़गांव का नाम भी तो बदल दिया। नहीं नहीं, वो तो वो डरते हैं ना, उन्होंने हुड्डा का नाम बदल दिया, HSVP कर दिया, हुड्डा मेट्रो स्टेशन का नाम बदल दिया, पिलर नहीं बनाया एक भी आगे, नाम बदल दिया। हुड्डा साहब से डर लगता है, सपने में हुड्डा साहब नजर आते हैं, क्योंकि और वो तो विधानसभा में जो इनके कैबिनेट में जो मंत्री के जिनके समर्थन पार्टी के विधायक कह रहे थे कि भाई ये आन लग रहा है, हुड्डा आन लग रहा है, और आज हरियाणा कह रही है हुड्डा आन लग रहा है। मैं तो एक बहुत छोटी सी बात कहता हूँ,
इनके मंडल अध्यक्ष, कमंडल अध्यक्ष, फलाना अध्यक्ष, जिला मंत्री, महामंत्री, पता नहीं कितनी बड़ी फौज है इनके पास। भाई साहब कुर्ते पहन लेते हैं, टीका लगा लेते हैं, बोलो जय श्री राम। अरे जब छज्जे टूट रहे थे उस श्री राम जी कहाँ थे, हमें नू तो बता दो भाई एक बार। और जो भी बात करा था, कहना भाई खट्टर साहब से बात करा दो। मैं दावे के साथ कहता हूँ, ऑन एयर कहता हूँ, एक महीने के बाद हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है, हुडा साहब चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, और गुड़गांव का आप विधायक के पास जाने की छोड़ो, कांग्रेस का एक आम कार्यकर्ता से बता देना कि ये दिक्कत है, आप डीटीपी की छोड़ो, मैं डीसी तक की गारंटी लेता हूँ। ठीक है, लेकिन लेकिन आप कह रहे हैं जय श्री राम उस समय कहाँ थे, श्री राम से क्या दिक्कत है कांग्रेस को? इनको ये लगा, इन्होंने जो राजनीति आज तक करी वो गाय पे करी, गंगा पे करी और राम पे करी। ना तो गंगा मैया साफ हुई, श्री राम जी ने आपने देखा अयोध्या में इनके साथ क्या हुआ। तो भगवान के नाम पर जो लोग राजनीति करते हैं, आप कांग्रेस मानने लगे कि श्री राम है? ठीक है भाई, जो जो दो मुख्य पार्टियां हैं जो आपस में दावा करती हैं कि या तो हम सत्ता में रहेंगे और अगर वो बीजेपी जाती है तो हम सत्ता में आएंगे, यानी बीजेपी और कांग्रेस, आपने नया कॉम्बिनेशन बनाया है, क्या लगता है? क्योंकि लंबे समय तक आप सत्ता से दूर रहे, आप लगातार चुनौती का सामना करते रहे, पार्टी भी टूटी, पार्टी टूटने के बाद कोई और पार्टी गठन होती है उसका, उसके बाद फिर वो सरकार में चली जाती है। आपके नेता किसानों के मुद्दे पर त्याग कर देते हैं, त्याग पत्र देते हैं, लेकिन फिर भी आपको गठबंधन करना पड़ता है, क्या जरूरत थी? और अगर जरूरत थी तो उसका लाभ क्या मिलेगा? पहले तो मैं बीजेपी वाले भाई को बताना चाहता हूँ जिन्होंने किसानों के बारे में बड़ी बड़ी बातें की, 750 किसानों को मारने वाले खट्टर और मोदी हैं, और उन्होंने हमारे गुड़गांव के लिए खट्टर साहब के बारे में बोला कि बड़े बड़े मंत्रालय मिल गए और बड़े बड़े पद मिल गए। उन्होंने पीने का पानी गुड़गांव के अंदर नहीं दिया खट्टर सरकार ने, उन्होंने बस स्टैंड नहीं दिया खट्टर सरकार ने, उन्होंने स्कूलों का बुरा हाल कर दिया खट्टर सरकार ने, मेट्रो को एक इंच तक नहीं बढ़ाया खट्टर सरकार ने, सारा टैक्स हमारा गुड़गांव से इकट्ठा करके और स्टेटों के अंदर ले जाया जाता है। कोई भी काम यहाँ पे किसी भी सरकार ने नहीं किया। 10 साल बीजेपी की सरकार रही, पीछे 10 साल कांग्रेस की सरकार रही। आज जिस पार्क में हम खड़े हैं, कांग्रेस वाले तो गिना रहे हैं कि जो काम किया था गुड़गांव में हो या अहिरवाल में हो, हरियाणा में हो, कांग्रेस नहीं किया था। तो मैं भी गिनवा रहा हूँ काम, काम गिनवाने के लिए जिस पार्क में आप खड़े हैं, ये भी चौटाला सरकार का बनाया हुआ पार्क है। वो देवीलाल स्टेडियम हो, सरकारी स्कूल हो, कम सेंटर भवन हो, ऐसे बहुत सारी बिल्डिंगें जो थी, जो सरकारी बिल्डिंगें थी, आज बीजेपी सरकार ने कोई भी बिल्डिंगों को मतलब उजाड़ा है, काम नहीं किया उनके अंदर। और आज आज की सिचुएशन ये है, बीजेपी जिन्होंने धर्म के नाम पे, जात के नाम पे वोट लिए, आज बीजेपी चौथे स्थान पर भटकती जा रही है और उनकी 10 से भी नीचे। पहले पे कौन है? पहले पे कौन? पहले पे जनता है, 5 तारीख को जनता तय कर देगी पहले पे कौन आएगा, लेकिन बीजेपी जा रही है। कांग्रेस कह रही है पहले पे वो है, कहने से तो बीजेपी वाले भी कहेंगे। तो कह तो आप भी सकते हैं ना, गठबंधन भी कर लिया। हम तो सरकार बना रहे हैं। अच्छा, आप सरकार बना रहे हैं, वो पहले नंबर पे है, मतलब पहले नंबर वाले सरकार नहीं बनाएंगे, आप सरकार बना रहे हैं? बिल्कुल बनाएंगे, सरकार बनेगी। ठीक है भाई, आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली और पंजाब में सरकार चला रही है, लेकिन यहाँ इस वक्त हरियाणा की स्थिति को अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा बदलाव किया और ठीक ऐन मौके पर चुनाव के केजरीवाल साहब को जमानत भी मिल गई है, और अब वो कह रहे हैं कि मैं जेल में रहते हुए दिल्ली की सरकार तो चला चुका हूं, अब इस्तीफा दूंगा। भाई इस्तीफा क्यों दे रहे हैं, पहला तो ये बता दीजिए, और दूसरा कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी गठबंधन नहीं कर पाई वो कोई बात नहीं, लेकिन आप अकेले लड़ने का दम रख रहे हैं, क्या स्थिति दिख रही है इन तमाम पार्टियों से चुनौती? देखिए सभी को सबसे पहले नमस्कार। देखिए आम आदमी पार्टी सक्षम है 90 विधानसभा पर चुनाव लड़ने के लिए। जिस तरीके से दिल्ली में जब पहली बार चुनाव लड़ा तो लोग कहते थे कि आम आदमी पार्टी नई पार्टी ये नहीं कर पाएगी, लेकिन उन्होंने बहुमत की सरकार बनाई, 3 बार बहुमत की सरकार बनाई। उसी तरीके से पंजाब में जब कांग्रेस थी वहां पर तो आम आदमी पार्टी ने इस लास्ट टाइम बहुमत की सरकार बनाई। देखिए आम आदमी पार्टी अपनी काम की राजनीति करती है, अपने काम बताती है, जो उन्होंने 10 साल दिल्ली में करे और अब पंजाब में कर रही है। 2 साल के अंदर पंजाब में 50,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी मिली है, मोहल्ला क्लिनिक 700 से ज्यादा दिल्ली और पंजाब में बन चुके हैं। देखिए आम आदमी पार्टी इसलिए 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बनी है क्योंकि जनता के बीच में रह के जनता के मुद्दों को सोल्यूशन दिए। नहीं तो वो कौन से मुद्दे उठाते हो, अभी तो जनता के ही मुद्दे उठा रहे हैं ना। देखिए भाजपा ने हरियाणा में 10 साल राज किया, 9.5 साल बाद प्रदेश अध्यक्ष
और चीफ मिनिस्टर दोनों को बदला गया, अगर भाजपा ने काम करा होता तो ये कंटिन्यू होते, इस चुनाव उनके चेहरे पे लड़ा जाता। देखिए भाजपा ने 10 साल के अंदर चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे वकील हो, किसी भी वर्ग को नहीं छोड़ा, हर वर्ग को प्रताड़ित किया है। और आज जनता जानते है कि चाहे जैसे कांग्रेस भाई ने कहा प्रॉपर्टी टैक्स से लेकर हर चीज में इन्होंने रिश्वत ली है। कांग्रेस ने पहले कई साल हरियाणा में राज किया, मूलभूत सुविधाएं आज तक 2024 मिलेनियम सिटी में लोगों के पास नहीं है। शिक्षा का स्तर, सिविल अस्पताल की कंडीशन, जितने भी जरूरत की चीजें हैं वो आज तक ठीक नहीं हुई है। कांग्रेस जो दावा कर रही है उस दावे में आप भी शामिल होना चाहते थे, शामिल क्यों नहीं की? देखिए इंडिया अलायंस लोकसभा में हुआ, उसका रिजल्ट इंडिया अलायंस को अच्छा मिला। इंडिया अलायंस तानाशाही से लड़ने के लिए बीजेपी सरकार और मोदी सरकार जो आज तानाशाही कर रही है उसके लिए बना है। तो सीनियर लीडरशिप की कोशिश थी कि अलायंस हो, ज्यादा से ज्यादा नहीं हो पाया, नहीं हो पाया। लेकिन अकेले आपको लगता है कि जीत होगी, कम से कम कुछ सीटें तो निकालेंगे? देखिए आम आदमी पार्टी अकेले ही बनी थी और अकेले जीत के आज इस पावर में है कि अलायंस के लिए आम आदमी पार्टी उसका हिस्सा है। ठीक है बिनवाल साहब, जल्दी से तीनों लोगों का जवाब दीजिए, फिर मैं जनता के बीच में जाऊंगा। बड़े गंभीर आरोप है गुड़गांव से लेकर इस पूरे अहिरवाल के बेल्ट को लेकर। देखिए गुरुग्राम, गुड़गांव से नाम बदलकर गुरुग्राम किया गया ताकि हर एक आदमी ये सोच पाए या जब बाहर से आने वाला इंसान सोच पाए कि गुरुग्राम नाम क्यों है। गुरु द्रोण की नगरी को अगर गुरुग्राम नाम से पुकारा जाता है तो किसी को परेशानी क्यों है? ये भारतीय जनता पार्टी है जो इतिहास पे और इतिहास के पन्नों के साथ अपने देश को जोड़ना चाहती है, साहित्य के साथ देश को जोड़ना चाहती है, अपने संस्कारों के साथ देश को जोड़ना चाहती है। आज हमारे गुरुग्राम को हर एक इंसान कहता है गुरु द्रोण की नगरी है तो उसको लेकिन पहचान अगर दी है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अगर इसमें किसी और राजनीतिक दल को राजनीति करनी है, परेशान होना है तो भाई आपने पहचान दी है, वो कह रहे हैं आपकी पहचान मिटने वाली है। उनका कहने का दायित्व है, वो कह सकते हैं कुछ भी, लेकिन हरियाणा की जनता ने 2014 में कांग्रेस को बेदखल कर दिया था, इनकी राजनीति पर फुल स्टॉप लगा दिया था, क्योंकि ये लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बाहर नहीं निकल पाते। इन्होंने मिर्चपुर कांड हो, इनका गोहाना कांड हो, इनके कांड इनके साथ चल रहे हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी जो इतने भी हितेशी काम है, गुरुग्राम के लिए बात कर रहे हैं, आज गुरुग्राम में आप किसी भी साइड से एंट्री कर लीजिए, आप 7 से 8 लेन के रोड आपको पाएंगे। पहले संकरी गलियां हुआ करती, गुड़गांव में एंट्री के लिए जगह नहीं थी, गुरुग्राम बना, गुरुग्राम के बाद आप द्वारका एक्सप्रेसवे देखिए, उसके साथ चाहे आप रेलवे कॉरिडोर देखिए, आप मेट्रो रेल देखिए, उसके साथ में आप केएमपी देखिए, इनके राज में केएमपी जो कुंडली मानेसर, क्योंकि उनको पता है कि वो लोग भ्रष्टाचारी हैं। उन्होंने तो क्या कहा, हम डीसी को देख लेंगे, आप देखिए इन्होंने क्या कहा, हम डीसी को देख लेंगे। इनकी भाषा शैली आज ये ऐसी है, इनके पिछले 10 साल में भी ऐसी ही थी, क्योंकि ये तो ना तो जनता को कुछ समझते हैं, ना कर्मचारियों को कुछ समझते हैं, ना अधिकारियों को कुछ समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को, सबको मान सम्मान बराबर देती है। आज हम बागर कुंडली मानेसर में एक्सप्रेसवे की बात कर रहा था, इनके कार्यकाल में 10 साल तक सिर्फ उसमें से मिट्टी की चोरी होती रही है, वो आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। अगर गुड़गांव को अगर जोड़ा है कनेक्टिविटी के माध्यम से, किसी भी क्षेत्र का विकास तब होता है जब कनेक्टिविटी उसके पास हो। आज अगर गुरुग्राम, पहले आपने सुना होगा एक महाजाम, शायद आपने भी कवर किया था, उस महाजाम को खत्म करते हुए सारे रोडों पर अंडरपास, ऊपर फ्लाईओवर बना करके अगर आज उस महाजाम से निजात दिलाई है तो वो भारतीय जनता पार्टी की। अंडरपास में गाड़ियां चलती हैं, नाव भी चलती है कभी कभी। देखिए ये बारिश का जो मौसम है, बारिश के मौसम में बारिश अगर अधिक आ जाए तो पानी जा सकता है, ये मतलब प्राकृतिक आपदा है, किसी के हाथ की बात नहीं है, लेकिन सभी चीजों से निपटारण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किए। खटाना साहब छोटा सा जवाब। अतुल जी मेरे भाई ने कहा कि सभी का मान सम्मान, तो मान और सम्मान तो जनता बैठी है सामने, जितना मान सम्मान गुड़गांव वालों को लूट के अधिकारियों ने भरा है पिछले 10 साल में वो सबको पता है। भ्रष्टाचार, मैं कह रहा हूँ आप बिजली बोर्ड के दफ्तर चले जाओ, प्रॉपर्टी आईडी बनवाने चले जाओ, आप एमसीजी के ऑफिस चले जाओ, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ बिना पैसे के अगर इन्होंने किसी का काम किया हो। रजिस्ट्री का रेट था यहाँ 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए रजिस्ट्री का स्टाम्प ड्यूटी नहीं है, तहसीलदार की रिश्वत है 3 लाख रुपए एक फ्लोर की, किसी मेरे भाई से पूछ लो। और जो ये बीजेपी वाले पूछ रहे हैं इनको भी पता है, ये खुद पैसे देते थे, ये खुद कहते थे जी हम जी मंडल अध्यक्ष हैं, बोला कोई बात नहीं पैसे ऊपर जा रहे हैं, कौन से ऊपर, दिल्ली में जा रहे हैं, हरियाणा में, चंडीगढ़ जा रहे हैं, ये नहीं पता। और मैंने एक बात कही, मेरे भाई ने कहा तो भैया हम तो अफसरों को मान सम्मान देते हैं, लेकिन मैंने कहा कि डीटीपी से लेकर डीसी तक
आम जन के काम होंगे और कार्यकर्ता कांग्रेस का उसको ठीक है। अब मैं जनता जनता के बीच में जाके इसका जवाब लूंगा। और मैं चाहूंगा साउथ हरियाणा के मेरे सहयोगी गुलशन ग्रोवर भी यहाँ पर मौजूद है जो कि हर दिन ग्राउंड रिपोर्टिंग यहाँ से करते हैं। एक बार गुलशन को मैं चर्चा में शामिल करूंगा। गुलशन, आप चूंकि ग्राउंड में यहाँ पर रहते हैं और ये तमाम पार्टी के प्रवक्ता है, इनका दायित्व है कि अपनी पार्टी का ये बचाव करें और वादा करें दावा करें, लेकिन जो असल स्थिति है गुरुग्राम की पूरे अहिरवाल की क्या लगता है? देखिए बिल्कुल, दक्षिणी हरियाणा की अगर बात करें तो क्योंकि सरकार बनाने में अहम भूमिका रखता है, जब भी कोई सरकार बनती है तो दक्षिणी हरियाणा का उसमें ज़्यादा सहयोग रहता है। लेकिन इस बार के हालात, क्योंकि राव इंद्रजीत यहाँ पर मुख्य भूमिका अदा करते हैं सरकार बनाने में, लेकिन अभी की स्थिति की अगर बात करें तो ज़रूर हम कह सकते हैं कि कांग्रेस इस समय अप है। क्योंकि पहले हम देखते थे कि जब बीजेपी में 2014 में राव इंद्रजीत आए तो एक वेव थी उस समय बीजेपी की, तो इसलिए सरकार बनी। 2019 में हमने देखा 75 पार का नारा दिया तो लोगों को लगा कि बीजेपी की सरकार आ रही है, तो फिर दोबारा से बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई। तो एक नहीं, तो अहिरवाल में राव साहब की जो नाराजगी बीजेपी ने दूर कर दी और उनके हिसाब से टिकट का वितरण हुआ है, उसका फायदा मिल रहा है? बिल्कुल, कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर राव इंद्रजीत ने कहा कि यहां से, जब पटौदी की सीट ले लीजिए, बिमला चौधरी को वो दिलवाना चाहते थे, वो सीट राव इंद्रजीत के सहयोग से मिली। अपनी बेटी को टिकट दिलाना चाहते थे आरती राव को, उनको वहाँ से टिकट मिली। कोसली से अनिल दाहिने को अनिल को दिलाना चाहते थे, वहाँ से मिली, क्योंकि कोसली से इस समय के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव वो रेवाड़ी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो जरूर इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि राव नरवीर एक बड़ा चेहरा वो भी है दक्षिण हरियाणा में, वो भी बीजेपी से है, तो जरूर बादशाहपुर की सीट भी। मतलब आपको लगता है कि हाँ, बदलाव से शायद कुछ फायदा मिल जाए। बाकी पार्टियों का क्या है अहिरवाल? देखिए यहाँ केवल कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला है, और पत्रकार के तौर पर आपका ये आंकलन है कि बीजेपी और कांग्रेस ही है इस बार चुनाव। भाई आप दोनों लोग नाराज हो जाएगा गुलशन से इस बार, लेकिन जो वस्तु स्थिति होती है, गुलशन हर दिन यहाँ से जब रिपोर्टिंग करते हैं तो बताते हैं, लेकिन जो आखिरी दांव होता है वो जनता का ही होता है। इसीलिए आज जनता यहाँ पर बैठी हुई है और जो माननीय है पार्टी के प्रवक्ता है नेता है वो खड़े हैं, क्योंकि ये चुनाव का दौर है। हमारे साथ जनता भी यहाँ पर मौजूद है। मैम, आप कुछ कहना चाहेंगी या कोई सवाल लेना चाहेंगी? आप खड़े हो जाए, हम यहाँ के रेजिडेंट हैं न्यू कॉलोनी के, एंड आई एम एसोसिएटेड विद बीजेपी। अच्छा, बीजेपी का कार्यकर्ता है। जनता के तौर पर कोई बात? जनता के तौर पे बात कर रही हूँ, एज उसके बीजेपी नॉमिनेट करके नहीं बात कर रही हूँ। हमारे इश्यूज क्या हैं? एवरीडे इश्यूज, एवरीडे हैसल्स, क्लेनलीनेस, सीवरेज, यहाँ पे ट्रैफिक जैम्स। अभी अगर हम बारिशों के दिनों में, हम वी आर एट अ हाउस अरेस्ट, हम बाहर नहीं निकल सकते हैं। आप भाई, बड़ी दिलचस्प बात है, बीजेपी से जुड़ी हुई हैं लेकिन उसके बावजूद मुद्दे गिना रही हैं। मुद्दे गिना रही हैं, ये बहुत जरूरी है। नॉट अबाउट द मुद्दे, दिस इज अबाउट द होल कॉलोनी। ये मेरा कोई इंडिविजुअल इश्यू नहीं है। ये बेनीवाल साहब जवाब तैयार रखिएगा। एवरीडे प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं जिसलिए हम यहाँ बैठे हैं, दिस इज ओनली ठीक है। मैं इसका जवाब लूंगा, प्लीज मैम बैठ जाए। हाँ सर, आप बताए। नमस्कार, मेरा नाम गौरव शर्मा है। तो ब्राह्मण होने के नाते एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, ये श्री राम को बाद में सभी पार्टियां लेके आती हैं। इस गुड़गांव शहर ने श्री राम के मुख्य दिवाली त्योहार को